यस बेटा, एट्थ क्लास। आज हम थ्री एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई डिवीजन मेथड। ये चार पार्ट हैं, ये चारों पार्ट मैं आपको एक बार करवा देती हूँ और उसके बाद आप इनको खुद करेंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ, वो आप करेंगे, जिससे आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड कम्प्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए पार्ट है, ये हम करेंगे 2916 अपौन 2209। सबसे पहले हम किसका करेंगे, 2916 सबसे पहले पेयर बनाएंगे। बना लिया पेयर, अब देखेंगे 29 को देखना है हमें, क्योंकि हमारा पेयर पूरा है। तो 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36 ज़्यादा होता है, तो 5 5 25, रिमेन 4 बच जाएगा, 16 उतार लेंगे। 5 को डबल, इसको 2 से गुणा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 5 2 10। अब हम देखेंगे कि ये किस पर, 10 4 40, तो 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ये आ जाए 16 और ये आ जाएगा 4। ये हमारा पूरा कट जाता है यहाँ पर, तो ये कंप्लीट होता है। तो अब आगे हम करेंगे, अगला है 2209। क्या है 2209, इसका करेंगे सबसे पहले क्या होगा इसका, हम जब करते हैं तो सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स कैसे बनते हैं, 09 का और 22 का। अब कैसे होगा, 5 5 25 हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 16, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बच गया, 6। फिर क्या करेंगे, 09 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 4 का डबल करते हैं, क्या करते हैं ऊपर वाले का डबल, 4 2 8। अब 8 की टेबल देखेंगे बेटा, 8 7 56, 8 7 56। तो अब क्या करेंगे, ये हम रफ काम के लिए एक लाइन खेल देते हैं, 87 को 7 से करेंगे, ये आ गया हमारा 609। तब हमारा 2916 अपॉन 2209, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 54 अपॉन 47। ये हमारा आंसर है बेटा, इस तरह से इसको करना है। अब आगे देखते हैं हम बी पार्ट, और देखते हैं एक बार हम बी पार्ट को कैसे करेंगे। 316 256, कैसे करते हैं, 3 × 256 + 16 / 200, ऐसे ही करते हैं। = 784/256 आ जाएगा जब आप इसको खोलोगे। इसकी रिस्की गुणा करते हैं, इसको ऐड करते हैं, यही करते हैं, यही किया है, कहीं पजल हो जाओ कि ये क्या कर दिया। अब क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे करते हैं, 784 पेयर हो गया, ये पेयर पूरा नहीं बन रहा, 3 3 9 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 2 4, 3 यहाँ 84 उतारेंगे, 2 2 4, 4 की टेबल लेंगे, अब 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 लेंगे, तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 384 ये आ जाएगा। अब 256 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 इसी तरह से 1 1 1 बच गया, 5 और 6, 1 2 जा, अब 2 की टेबल देखेंगे कहाँ तक, 2 6 जा, तो 26 को 6 से करेंगे, 6 6 36 12 3 15, ये क्या आ जाएगा, 16। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 28/16, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से करना है बेटा, ये थर्ड और फोर्थ, सी और डी खुद करके देखेंगे, सी एंड डी
खुद करेंगे और उसके बाद आप अपना एग्जाम्पल नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू इतने टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें से घटाई जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर करने कोशिश करेंगे बेटा। 75 पूरा नहीं जा रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा है उसमें से रिमाइंडर घटा देंगे। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें से हम घटा दें तो वो पूर्ण हो जाए, तो ये 9। इसमें से अगर 9 घटा देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कर लेंगे इसको। आगे है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी, ये सब्ट्रैक्टेड था, ये एडेड है। जब एडेड होता है तो बेटा क्या करते हैं, ये आपने निकाला, इससे आगे वाला लेते हैं। जैसे ये 529 आपका आता है तो इसका क्या आएगा, 530 का स्क्वायर कर लेंगे, 530 का स्क्वायर, और दोनों को घटा देंगे, इसको और इसको जो हमारा आया है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये संख्या आ जाएगी। क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए, घटाया जाए में क्या करेंगे आप, निकाल करके जो रिमाइंडर आता है वो इसमें से घटा देंगे, और जब क्या जोड़ा जाए तो इससे अगला लेकर के उसका वर्ग निकाल करके और ये घटा देंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट, 6 संख्या अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट करेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो इसमें से घटा देंगे, जो घट के आंसर आएगा वो आ जाएगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इस तरह से ही आपको करने हैं। अब आगे आता है जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, फाइंड द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 4 डिजिट का ले लेंगे, यहाँ तक का ले लेंगे, 9999 आता है, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बच जाता है, 198। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक लेंगे तो 198 बच जाएगा। अब इसमें से 198 घटा देंगे, किस में से, 9999 से 198 घटा देंगे, जो बच जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा करके इनको करेंगे बेटा, ध्यान दें इस पर, ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी कि नहीं है, नहीं, खुद करके देखें इसको दो दो तीन तीन बार। ओके बेटा।